सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल NX World Design को, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि डिजाइन रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं चिराग, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल NX World Design में। तो फ्रेंड्स, हम हमारे आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रोजेक्ट कर्व के बारे में। तो हम हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो सॉलिड मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉइंग में कुछ प्रोफाइल जनरेट करनी है। तो हम किस तरह से जनरेट करते हैं वो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले हमें हमारा ड्राइंग जो है वो एक टास्क एनवायरनमेंट में शुरू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रिबन बार है उसमें यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कर्व का ऑप्शन दिया गया हुआ है, ठीक है। तो हम उसको हमारे वर्क में कैसे यूज में लेते हैं उसके बारे में जानना है हमें। तो पहले हम एक सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसे चैम्फर दे देता हूँ। सपोज़ कि मैंने उसको इतना चैम्फर दे दिया, उसके बाद ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं उसको एक्सट्रूड दिया, मैंने सपोज़ कि 90 mm का एक्सट्रूड दे ही दिया, ठीक है। अब उसको जो ए वाली प्रोफाइल है, ए वाले उसकी जो अपर वाली बाउंड्री है वो मुझे नहीं पता, उसका डायमेंशन नहीं पता कितनी हाइट है उसकी, और मुझे उसकी बाउंड्री पे एडिट करना है। यानी कि मुझे उसकी बाउंड्री कवर हो जाए इस तरह का एक स्केच चाहिए। तो मैं सिंपल सा एक स्केच लूँगा, जिस बाउंड्री पे हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें उसका प्लेन सिलेक्ट करना है। इस फेस पे चाहिए तो उसके जो ये पूरा बॉडी जिस प्लेन पे बना है उसी प्लेन पे हम हमारा स्केच का जो है वो टूल शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी ये बाउंड्री है इसकी, यहाँ पे मुझे स्केच चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया प्रोजेक्ट कर्व में। अब मुझे क्या करना है, मैं पूरी फेस सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू रंग की लाइन शो हो गई। मैं स्केच को हाइड कर देता हूँ। ये हमारा स्केच था, ये हमारा एक्सट्रूड था इस हाइट पे, और ये हमारा स्केच पूरा बन गया, ठीक है। अब मैं वापस से एक्सट्रूड को शो कर दिया। अब मुझे पता है मैंने एक्सट्रूड कितना दिया था, मैंने 90 mm का एक्सट्रूड दिया था। पहले स्केच को फिनिश कर लेता हूँ। यहाँ पे ए जो एक्सट्रूड है मैंने 90 mm का दिया था। सपोज़ मैं उसे चेंज करके 150 mm तक बढ़ा कर देता हूँ। तो वापस से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा ड्राइंग हमने बनाया था, इसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रोजेक्ट कर्व दिया था वो अपने आप ही मॉडिफाई हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पहले फिलेट लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा फिलेट आसानी से दे पा रहे हैं। यानी कि हम हमारे जो ड्राइंग था सॉलिड ड्राइंग उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी बाहर की प्रोफाइल बनाई और उसको हमने एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करके यहाँ पे से सब्स्ट्रैक्ट देता हूँ। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, लेकिन कितना, इतने तक, ठीक है। सिलेक्ट बॉडी, तो ये हमारी ये बॉडी सिलेक्ट की और ओके कर दिया। अब क्या करूँगा, इस एक्सट्रूड को मैं शो करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बाहर की बाउंड्री तैयार की थी इसके अकॉर्डिंग कितनी आसानी से मैंने इसको मेरे एक्चुअल ड्राइंग में या एक्चुअल मॉडल में चेंज करना चाहा तो चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।